वाशबेसन के नल में लगे जंग को कैसे छुटाएं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे कि नल होता है जो टोटी होती है वाशबेसन की, उसमें जंग लग जाए या कैसे भी दाग लग जाए तो उसको कैसे छुटाना है। यहाँ दोस्तों मैं नींबू और कोलगेट की मदद से इसको छुटाने वाला हूँ, ठीक है। और वाशबेसन को भी दोस्तों क्लीन कर सकते हैं, टाइल को भी क्लीन कर सकते हैं इसी से। दोस्तों चुटकियों में रिमूव हो जाएगा, ये बहुत ही बेहतरीन टिप्स है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी यूज़फुल टिप्स मैं लाता रहता हूँ। तो देख सकते हैं कभी भी नल होता है या टोटी होती है, देख सकते हैं कभी भी जंग लग जाए, दाग लग जाए, चिपचिपे जैसे कैसे भी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है, ठीक है, और यहाँ पे लगभग आधा चम्मच मैंने यहाँ पे कोलगेट पेस्ट को लिया है, ठीक है। तो इसी से दोस्तों हम इसको क्लीन कर लेंगे बहुत ही कम खर्चे में। दोस्तों कितने भी खतरनाक दाग को चुटकियों में रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ हल्के हल्के हाथों से हम इसको क्लीन करेंगे, बाद में हम इसी से वाशबेसन को भी, वाशबेसन की जो टाइल है उसको भी क्लीन कर लेंगे। इसको लगाने के बाद कम से कम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इस तरह से इस पर हम लगा छोड़ देंगे और बाकी का जो टाइल है वाशबेसन का उस पर अच्छे से रगड़ लेंगे। ये देखिए जितनी भी गंदगी है ना चुटकियों में रिमूव हो जाएगी। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ऐसी यूजफुल टिप्स मैं लाता रहता हूँ। यहाँ देखिए 2-3 मिनट बाद में इसको क्लीन करूँगा। देखिए हल्के हल्के हाथों से इसको रगड़ते रहना है और जितना भी जंग वगैरह है चिपचिपे जैसे हैं चुटकियों में रिमूव हो जाएंगे। पूरे को अच्छे से रगड़ लेना है। टाइल पर लगे दाग को भी क्लीन कर सकते हैं नींबू और कोलगेट की मदद से। बाथरूम या किचन की टाइल पर अगर कोई दाग लग जाए तो कोलगेट और नींबू की मदद से इसको छुटा सकते हैं। वाशबेसन का नल है, चाहे कोई स्टील का बर्तन हो, बाल्टी हो, स्टील का कोई भी बर्तन हो, उस पर जंग लग गया है या और भी चिपचिपे जैसे दाग लग गए हैं तो उसको छुटा सकते हैं नींबू और कोलगेट से। ये बहुत ही बेहतरीन दोस्तों नुस्खा है। ये देखिए हमारा जो नल है ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे अब भी लगाया हो। इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल चकाचक हो गया अपना पूरा वाशबेसन का टाइल और हमारा जो नल है बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे अभी नया लगाया हो। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।